दोस्तों बहुत से ऐप्स को डार्क मोड का फीचर मिल गया है, डार्क थीम का फीचर मिल गया है। अभी फेसबुक ने भी शुरुआत की है अपने फेसबुक लाइट ऐप से और उसने इस ऑप्शन को वहां पर दे दिया है, तो अब आप फेसबुक में भी डार्क मोड को इनेबल कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल अवतार चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मिल सके मेरी वीडियोज के अपडेट सबसे पहले। दोस्तों अगर आप फेसबुक के अंदर डार्क मोड फीचर को यूज करना चाहते हैं तो ये अभी जो फीचर है फेसबुक मेन ऐप में अवेलेबल नहीं है, फेसबुक लाइट ऐप में आ गया है जो कि आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी फेसबुक लाइट ऐप है तो उसे जस्ट अपडेट करना है आपको, और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे प्ले स्टोर पर जा कर के इंस्टॉल कर लीजिए। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने ये इंस्टॉल किया है और इंस्टॉल करने के बाद कुछ आपको इस तरह का लुक देखने को मिलता है इंटरफेस। यहाँ 3 लाइन आपको दिखेंगी, यहाँ पर आपको क्लिक करना है या टैप करना है। टैप करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ तो आपको ये सेटिंग्स के जस्ट नीचे डार्क मोड का एक सिंबल दिखेगा, इसे आपको यहाँ पर टैप करके इनेबल कर देना है। तो अब आपका पूरा जो फेसबुक ऐप है वो डार्क हो जाएगा और इसके किसी भी टैब में आप जाएंगे तो आप देखेंगे काफ़ी कमाल का लुक आपको देखने को मिलेगा, डार्क लुक। और इसे हम परफेक्ट ब्लैक नहीं कह सकते हैं, यहाँ पर आपको डार्क ग्रे कलर देखने को मिला है जो काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप अपने फीड में जाते हैं या फिर फ्रेंड लिस्ट में जाते हैं या फिर वीडियो में जाते हैं, हर जगह आपको यही डार्क लुक देखने को मिलेगा, मतलब अच्छे से काम कर रहा है यहाँ पर। और फिर आप देख सकते हैं टाइमलाइन पर भी ये जो डार्क लुक है काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और अगर आपने कोई पेज भी बना रखा है जैसे कि मेरा पेज है डिजिटल अवतार, वहाँ पर भी ये मैंने देखा है कि परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो आपने देखा कि फेसबुक में डार्क मोड को ऑन करना कितना आसान है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियोज लेके आता रहता हूँ।